जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं स्क्वायर निकालने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से एकदम एक या दो सेकंड के अंदर सोल्व कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 75 लिखा हुआ, और भी मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा और साथ में उसमें ट्रिक लगाकर दिखाऊंगा कितनी आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 75 लगाया है। दोस्तों 75 का होल स्क्वायर आप निकालेंगे एकदम ट्रिक से। तो दोस्तों आपको इसमें जो है सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक या दो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको कर देना है जैसे ये है यहाँ पे दोस्तों 5, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपको सिंपली 5 का होल स्क्वायर कर देना है। दोस्तों 5 का होल स्क्वायर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 5 × 5 होता है, तो 5 का अगर आपके पहाड़ा याद है तो दोस्तों इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों इस ट्रिक से आपको देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप जैसे 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब 25 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बचा आपका 7। तो दोस्तों 25 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब 7 से जो है आगे की डिजिट कौन सी है, 7 से आगे क्या आएगा दोस्तों, 8। तो 7 से आगे आएगा 8, तो आपको जो है 8 में मल्टीप्लाई कर देनी है 7 की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 7 = 56। 8 × 7 = 56, बस ये आपका जो है दोस्तों 56, ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों आपने देखा कितनी मजेदार ट्रिक है और आसानी से आपने 75 का होल स्क्वायर सोल्व कर लिया। तो दोस्तों इसी तरह की गजब की ट्रिक है, एकदम आसान तरीके से अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपके समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अगला क्वेश्चन करके भी दिखाता हूं। यहाँ पे लिख लीजिए आप 35, ठीक है, तो मैंने जो है 35 लिख दिया यहाँ पे, और इसका आपको होल स्क्वायर निकालना है। देखिए कितनी आसानी से निकाल लेंगे एकदम एक या दो सेकंड के अंदर। कैसे करा था मैंने इसमें, पहले आपको इसका स्क्वायर कर देना है, तो कितना आएगा 25, 5 × 5 = 25, 25 आ गया। अब ये जो है कितनी है आपकी, 3, तो 3 से बाद की संख्या कौन सी होगी, यानी कि 4, ठीक है, 3 से बाद की संख्या होगी 4, तो 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 12, तो ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। देखिए है ना गजब की ट्रिक एकदम, तो आप इससे भी अच्छे यानी कि सोल्व कर सकते हैं, और कितने आसान तरीके से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, एक मैंने लिख लिया, चलो 85 लिख लेता हूं, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो उसको लिख लीजिए 85 का होल स्क्वायर ये आपको करना है। तो दोस्तों वही सिंपल ट्रिक जैसे मैंने इसमें दिखाया है, अब 5 × 5 = 25, ठीक है, ये 25 हो गया। अब इसके बाद की संख्या कौन सी होगी, 9, तो 8 × 9 = 72, तो 72, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे अगर, यानी कि भाई आप जो है बस जिसके लाइफ में 5 है तो आप उन्हीं संख्या को दिखा रहे हो, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छे सोचने वाली बात है, लेकिन मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, अगर आपके लास्ट में, यानी कि जैसे ये है आपका 75 है, तो 55 आए या 65 आए या 25 आए, तो वो आपकी इसी ट्रिक से सोल्व होगी जैसे मैंने इसमें बताया। दोस्तों अब आपके लिए भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको अपने यानी कमेंट सेक्शन में सोल्व करके बताने हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 95, तो ये इसका होल स्क्वायर आपको करके बताना है, और बताना है 55। दोस्तों यही ट्रिक लगानी है आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, तभी मैं जानूंगा कि हाँ भाई आपसे भी ये ट्रिक अच्छे तरीके से आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक देखिएगा, इससे भी कमाल की ट्रिक है दोस्तों। अब नेक्स्ट ट्रिक में क्या है आपका है 87 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, 87 आ गया, या फिर आ गया आपका और कुछ भी ले लीजिए 63 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी भी सोल्व करने की एक गजब की ट्रिक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये तो सारे क्वेश्चन आपसे करने आ गए, लेकिन अब इसको कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसको भी बता देता हूं। तो आपको करना है दोस्तों, पहले आपकी यहाँ पर 7 है और यहाँ पर है 8, अब इन दोनों का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हैं, यानी कि इनको 7 से गुणा कर दीजिएगा और इसको 8 से, तो आपको कर देनी है इसको 7 से, जब गुणा करेंगे 7 × 7 = 49, यानी कि 49, तो आपका आ जाएगा 49, ठीक है, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, ये चल नहीं रहा, तो आपका आ जाएगा 7 × 7 = 49 हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पे क्या है आपका 8, तो 8 को 8 से कर देनी है, 8 को 8 से 8 × 8 = 64, ठीक है, तो आपको कर देना है 64। अब दोस्तों अभी ये आपका आंसर नहीं आया, ठीक है, अभी आपको इसमें एक ट्रिक और लगानी पड़ेगी। अब आपको देखो ये दोस्तों आपकी ये कितनी संख्या है इसमें, कितने इसमें से, ये तो दो ही है लेकिन एक होल स्क्वायर, तो तीनों को एक साथ गुणा कर देनी है,
तो 8 से 7 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। अब 56 दुनी, देखिए पहले इससे इसकी करनी है, फिर इनसे इसकी करनी है, ऐसे 8 गुणा 7 गुणा 2, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, 8 सत्ते 56, 56 दुनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 112, ठीक है, 56 दुनी 112। तो 112 आपको लिख देना है इसके नीचे, लेकिन लिखना कैसे है दोस्तों, आपको एक डिजिट से छोड़ करके लिख देना है। 112 लिखेंगे तो यहाँ पर 211, ये हो गया आपका 112, और इसको कर देंगे ऐड। दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएंगे, और 4 और 1 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो दोस्तों ये जो है आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, है ना, ये भी कमाल की ट्रिक एकदम दोस्तों। इस तरीके से आप एकदम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, एकदम मजेदार ट्रिक है, और इसको भी देखिए सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको देख कैसे करेंगे दोस्तों, इसको भी वही ट्रिक लगाएंगे, यानी कि जैसे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 6 का मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, लेकिन 6 6 36, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें भी जैसे आपका यहाँ पे 3 आ रहा हो या 2 आ रहा है लास्ट में, 3 2 या 1, तो उसका जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जहां पर आपका ये संख्या आए लास्ट में तो दोस्तों आपको जो है एक संख्या मिलेगी, लेकिन आपको इसकी दो संख्या बना लेनी है, ठीक है, दो डिजिट बना लेने हैं। दो कैसे बनेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 लगा करके, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तो आपका डिजिट बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको दो डिजिट बना लेनी है, और उसके बाद कर देना है, यानी जैसे मैंने आपका करा था 6 6 36। अब दोस्तों ये आपका आ गया, अब आपको वही सेम ट्रिक लगा करके 6 की गुणा करिए 3 से, 3 की गुणा करिए फिर इससे, यानी कि 6 3 18 2 36। तो दोस्तों आपका 36 आ गया, इधर की एक डिजिट छोड़कर अपना 36 लिख दीजिएगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 36। अब इनको सबको ऐड कर दीजिएगा, 9 का 9 6 का 6 6 और 3 9, और दोस्तों ये आ जाएगा 3। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से इतने आसान ट्रिक से आप जो है बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसमें यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों ये भी देखिए इसका सोल्व करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैंने अब जो है यहाँ पे लिख दिया 3.5, ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, या 2.5 भी लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो दोस्तों इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं। तो दोस्तों आपको करना है इसमें 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 25, ठीक है, यहाँ पे 25 लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपका है यहाँ पे 3 से बाद वाली डिजिट क्या है दोस्तों, 3 से बाद वाली डिजिट है आपकी 4, यानी कि 3 से बाद वाली डिजिट 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 का, 3 4 12। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यानी कि हमने इसमें जो है 5 से जब 5 को मल्टीप्लाई करा था तो कितना आया था, 25, यानी एक डिजिट का हमारा इसका आया था 25। तो आपको इधर से अब पॉइंट यहाँ पर लगा देना है, है ना, ये भी मजेदार ट्रिक, और ये आपका आंसर आ गया, सोल्व करके देख लीजिएगा। और दोस्तों अब आपके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आप जो है सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उनका राइट आंसर क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.5 का होल स्क्वायर, 7.5 का होल स्क्वायर, दोस्तों ये आपको करना है, और ये अभी जो है, और जैसे ये जो है हमारा 87 था, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूं 88। दोस्तों इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 88 है एंड 55 तो हमने दे दिया दोस्तों, 45 का होल स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों ये जो है आपके लिए क्वेश्चन है, आप जो है इसको जरूर बताइएगा, अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए एंड ट्रिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना रखिएगा ख्याल, थैंक यू फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।